दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि जापान ने अपनी पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसी छोड़कर चाइनीज थ्रेट से निपटने के लिए अपना डिफेंस आर्सेनल बिल्ड करना शुरू कर दिया है। जापान के इस एग्रेसिव मूव की वजह से ईस्ट चाइना सी में चाइनीज नेवी ने एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करी। इस नेवल ड्रिल में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और 6 और वॉरशिप्स जापान के ओकिनावा आइलैंड और मियाकोजिमा आइलैंड के बीच होते हुए पैसिफिक ओशन पहुंचे। एंड जापानीज आइलैंड के पास इन चाइनीज शिप्स पर अबाउट 300 एयरक्राफ्ट्स ने टेक ऑफ और लैंड किया। इसके अलावा WZ-7 चाइनीज ड्रोन भी मियाकोजिमा आइलैंड के पास डिटेक्ट किया गया। दोस्तों, चाइना हमेशा ही जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को यूं ही थ्रेटन करता रहता है, और चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए इस रीजन में हमें डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है।